अक्खा इंडस्ट्री जानते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत एक बहुत अच्छे एक्टर थे। मातृभाषा की आड़ में साउथ इंडस्ट्री को टारगेट करना बंद करो। मातृभाषा की आड़ में अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। क्या साउथ की फिल्में अब हिंदी वर्जन में रिलीज होना बंद हो जाएंगी? हेलो नमस्कार, यह है फिल्मी लाइट्स क्लब। अगर दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि किच्चा सुदीप का जो बयान सामने आया था मातृभाषा हिंदी को लेकर के, उस पर अजय देवगन ने रिएक्ट करते हुए बहुत सारी बात जो कही थी, जिसका जो विवाद है, जो कंट्रोवर्सी है, अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। यानी कि आए दिन सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर के, यानी कि मातृभाषा हिंदी को लेकर के कुछ न कुछ हमें सुनने और देखने को मिलता रहता है। लेकिन दोस्तों जहां तक मेरा मानना है कि इस बात को लेकर के जो आज इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है, ये उतनी बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं होनी चाहिए थी। ये उतनी बड़ी बात नहीं थी आज जितनी बड़ी इस बात को बनाया गया है। जहाँ तक मेरा सवाल है कि आप लोगों से कि क्या इससे पहले इस बात को लेकर के, मातृभाषा हिंदी को लेकर के ऐसे कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं हुई थी, तब वो लोग कहाँ थे? यानी कि जो आज ज्ञान बांटते फिर रहे हैं कि मातृभाषा हमारी ये है वो है, यानी कि तरह तरह की जो बातें कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर के, तब वो कहाँ थे? ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। लेकिन दोस्तों आज की जो सिचुएशन इस बात को लेकर के वो कुछ ज़्यादा ही है। यानी कि अजय देवगन ने जिस तरह से ट्वीट किया है, जिसको देखते हुए लोग अजय देवगन को भी काफ़ी ट्रोल कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से आज साउथ की फिल्मों को हिंदी बेल्ट में रिलीज़ किया जा रहा है और साउथ की फिल्में हिंदी वर्जन में काफ़ी धमाल मचा रही हैं, लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और फिल्म मेकर्स अच्छी खासी कमाई भी कर रहे हैं। अब ऐसे में देखते हुए मुझे कहीं ना कहीं यही लगता है कि बॉलीवुड वालों की जली पड़ी है, यानी कि उनको एक जलन सी हो गई कि साउथ की फिल्मों को हिंदी वर्जन में क्यों रिलीज़ किया जा रहा है। अगर ऐसा ही होता रहा तो हमारी फिल्मों का क्या होगा? यानी कि हिंदी वर्जन में अच्छी अच्छी फिल्में देखने को मिल रही है, ऑडियंस को लोग काफ़ी पसंद कर रही हैं ऑडियंस। तो ऐसे में अगर आप देखेंगे तो बैक टू बैक बॉलीवुड की फिल्में सुपर फ्लॉप हुई हैं और आगे भी होती चली आ रही हैं। अब ऐसे में इस चीज़ को, यानी कि मातृभाषा की आड़ में बॉलीवुड वालों ने साउथ इंडस्ट्री को एक निशाना बनाया है। अरे यार ऐसा मत करो, मातृभाषा की आड़ में साउथ इंडस्ट्री को टारगेट करना बंद करो। करना है तो अपने लिए कुछ करो, कुछ अच्छा काम करो, अच्छी फिल्में बनाओ ताकि ऑडियंस को पसंद आए और ऐसा दिन देखने को न मिले। यार ये क्या है कि आप मातृभाषा की आड़ में अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जो साउथ की फिल्में जिस तरह से सफलता हासिल कर रही हैं, आपको देखा नहीं जा रहा है, यानी कि आपको एक जलन सी हो गई है। अभी तो एक छोटी सी चिंगारी है, जब माचिस की तीली लगेगी ना तब क्या होगा, आपने कभी सोचा है? तो ये जलना बंद करो यार, कुछ अच्छे काम करो, अच्छा कॉन्सेप्ट लेके आओ, यूनिक स्टोरी लेके आओ, कुछ अच्छा काम करो। वो जमाना गया जब आप लोग ऑडियंस को बहुत बेवकूफ़ बना करके खूब सारा पैसा कमा लिए हो, अब ऐसा नहीं चलने वाला है। और ये मातृभाषा की आड़ में ना एक दूसरे को टारगेट करना बंद करो, इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। ऑडियंस, पब्लिक, जनता इतना बेवकूफ़ नहीं है, इतनी चूतिया नहीं है जितना आप लोग समझते हो। अब जिस तरह से अजय देवगन ने ट्वीट किया है, जिसको दिखने से आपको क्या लगता है, क्या साउथ की फिल्में अब हिंदी वर्जन में रिलीज होना बंद हो जाएंगी? उससे क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है, अपना सिर्फ नाम खराब होता है, अपनी इज्जत, अपनी रेपुटेशन खुद खराब होती है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से इस बॉलीवुड की फिल्म में बैक टू बैक सुपर फ्लॉप हो रही हैं। क्या आपको पता है सुशांत सिंह राजपूत, वो नाम जो एक बहुत ही होनहार टैलेंटेड बंदा था बॉलीवुड में, उसके साथ क्या हुआ? यानी कि अभी तक उसको इंसाफ नहीं मिला। अक्खा इंडस्ट्री जानते कि सुशांत सिंह राजपूत एक बहुत अच्छे एक्टर थे, उनके एक्टिंग में कोई भी कमी नहीं थी, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत को सपोर्ट करने के बजाय लोग उनका मजाक उड़ाते रहे। ये सुशांत सिंह राजपूत का श्राप है, श्राप। आप लोगों ने देखा कि किस तरह से सुशांत सिंह राजपूत के फिल्मी कैरियर पर फुल स्टॉप लग गया था, जिससे वो काफ़ी परेशान हो गए थे और दोस्तों बहुत ही उनके साथ गलत हुआ, ये आप सभी लोग बहुत ही बखूबी जानते हैं। अब ऐसे में पूरे बॉलीवुड पर फुल स्टॉप लगने वाला है। फिलहाल दोस्तों इन सभी अपडेट्स के बारे में आप लोग क्या कहते हैं, अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो दोस्तों बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल फिल्मी लाइट्स क्लब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और घंटे पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लें। धन्यवाद।